अस्सलामुअलैकम, वेलकम टू अलीज़े कुकिंग चैनल। आज की रेसिपी है एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। आज की रेसिपी बहुत आसान है। सबसे पहले 4 अदद अंडे लें। नमक डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जर्दे का रंग 1 चुटकी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। कढ़ाही में ऑयल 4 खाने के चम्मच डालकर गर्म करें। अब इसमें अंडे डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें और 2 मिनट पकाकर निकाल लें। अब इसे साइड में रख दें। अब दोबारा से कढ़ाई में 5 खाने के चम्मच ऑयल डालें और 1 खाने का चम्मच बारीक कटा लहसुन डालकर फ्राई करें। आप 4 जवे लहसुन के लेके बारीक काट लें, ये 1 खाने का चम्मच होंगे। लहसुन जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो, 1 कप बारीक कटी गाजर और 1 कप बारीक कटी शिमला मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं। दो मिनट पकने के बाद सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। आप इसमें डालें नमक 1/2 चाय का चम्मच, चीनी 1/2 चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डालकर मिक्स करें। बंद गोभी डालेंगे 1 कप बारीक कटी हुई, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/2 चाय का चम्मच। डालकर मिक्स करें और 1 मिनट पका लें। एक मिनट के बाद चावल डाल दें। चावल उबालने के लिए आप 1.5 गिलास चावल लें और नमक डालकर उबाल लें। अब इसमें सेका डालेंगे 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच। डालकर मिक्स करें। चावल डालकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हसबे ज़रूरत सब्ज़ प्याज डालें। अंडे डाल दें, डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर दें। आज की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी एग फ्राइड राइस तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।